हेलो बच्चों, आज मैं आपको उत्कर्ष की हिंदी पाठमाला 4 यानी क्लास 4 की चैप्टर दातून बनी ईंधन बताऊंगी। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अब हमें दूर दूर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। इस स्थिति के कारण हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने अपनी ज़रूरत से कहीं अधिक पेड़ कट कर अपना ही अहित किया है। दातून लंबाई में हमारी हथेली जितनी ही होती है, मोटाई में अधिक से अधिक हमारे अंगूठे जितनी मोटी ही होती है। दातून का काम है हमारे दांत साफ करना। क्या तुम यह सोच भी सकते हो कि इतनी छोटी दातून के सहारे ही महात्मा गांधी ने अपने समय में पर्यावरण की रक्षा कर दिखाई थी, कई पेड़ों को कटने से बचा लिया था। कैसे, इस पाठ में पढ़कर जानिए। कृपया पृष्ठ के एक ओर ही लिखें। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परीक्षा में परीक्षार्थी यानी जो परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम पेपर में जो लिखते हैं, को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी यह पंक्ति लिखी होती है कि हमें एक ही साइड में लिखना है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक ओर ही लिख दें, जो पहले ही मुद्रित आवेदन पत्र या फार्म भरने के लिए दिए जाते हैं वे कागज के एक ओर ही मुद्रित होते हैं। उनका पृष्ठ भाग खाली रखा गया होता है। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही है, मतलब ऐसा करने से उन्हें देखने में पढ़ने में इजी रहता है, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन जो काम किसी एक कागज के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग कागज खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागजों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश की आज़ादी के प्रति। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आते थे, वे उनके लिफाफे तक लिखने के काम में ले लेते थे। स्थायी महत्व का ना होने पर पत्र के खाली स्थान को भी लिखने के काम में ले लेते थे। जैसे पहले के लोग खाली पेज जब बच जाते थे, उन्हें एक साइड में रख लेते थे तो उनको लिखते थे, ऐसे करके वो अपने काम में ले लेते थे। यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम में आता ही था। गांधी जी इस संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके मन में दातून के एक से अधिक उपयोग के बारे में विचार उठा। तब वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं उसी दिन से दातून का उपयोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया। मगनबाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में आश्रमवासियों को समझाया कि यदि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और इन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है, यह उनकी व्यवस्था है। ईंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें हमारे शहरी लोगों की ज़रूरत के लिए भी पेड़ कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुके। दातून का उपयोगी बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। गांधी जी ने आश्रमवासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातून इस्तेमाल में लाते हैं, उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। हम दातून करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब यह अच्छी तरह से सूख जाए तब उसे ईंधन के काम में लें। प्रवचन सुनकर ये आश्रमवासियों को लगा कि बापू कुछ ज़्यादा ही दूर की कौड़ी लाए हैं। भला उतनी सी दातून से कैसे कितना तो ईंधन बनेगा।
किसी ने सबके मन की यही बात उजागर भी कर दी। गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाया। इंदौर प्रवास के दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अगले 4 दिनों तो हमारे दातून के जो टुकड़े जमा हुए उससे मैंने 5वें दिन मतलब उनसे क्या किया, उन्होंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए एक लोटा पानी गर्म कर लिया था, यानी कि जो दातून उन्होंने और यूज़ की थी उसको पानी से धोकर सुखाकर फिर उसे लकड़ी की तरह अपने ईंधन में यूज़ करा और उससे चूल्हा जल गया, जिससे कि उनका एक लोटा तक पानी गर्म हो गया था। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वे बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ, ये हो सकता है, दातून की दातून और ईंधन का ईंधन। गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के एक बरामदे में एक बाल्टी टंगवा दी। यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अगली सुबह से प्रत्येक आश्रमवासी दातून करने के बाद दातून के दोनों टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी के हवाले कर देगा। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़े धूप में सूखने के लिए फैलाएगा। फिर सूखे हुए टुकड़े जो होते हैं कोयले वाली कोठरी में पहुँचाए जाएंगे और बाद में ईंधन के काम में लाए जाएंगे। गांधी जी की सीख और विधि की बदौलत कुछ ना समझी जाने वाली दातून भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई। इस पाठ से हमने जाना, बूंद बूंद से घट भरता है। हम जिन तीनों चीज़ों को अनुपयोगी मानकर फेंक देते हैं, उन्हें फेंकने से पहले हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि इस चीज़ को किसी और काम में भी उपयोग में लाया जा सकता है, यानी यूज़ किया जा सकता है। बहुत संभव है हमें उनके कई उपयोग समझ में आ जाएं और वह चीज़ फेंकने योग्य लगे ही नहीं।